नगर निगम ने आज मूसाखेड़ी के पास इद्रिश नगर में बड़ी कार्यवाही करते हुए कंप्यूटर बाबा के सहयोगी रमेश तोमर के 6 मकान एक गार्डन को 2 घंटे की कार्यवाही में जमींदोज कर दिया। नगर निगम के उपायुक्त और रिमूवल विभाग की प्रभारी लता अग्रवाल ने बताया कि यहां 5 मकान अवैध रूप से बनाए गए थे, एक मकान निर्माणाधीन था, वहीं एक गार्डन पर बने हुए शेड आदि को भी तोड़ा गया। तोमर को नगर निगम ने पहले ही अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया था। अग्रवाल ने बताया कि रमेश तोमर के यहां लगे हुए 3 मोबाइल टावरों को भी हटाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस पूरी कार्यवाही में 4 पोकलेन और 4 जेसीबी को लगाया गया था। मौके पर कार्यवाही का किसी ने विरोध नहीं किया, कार्यवाही लगभग पूरी हो चुकी है। इस कार्रवाई का जो लिंक है वो जब नामदेव दास त्यागी का जो अवैध अतिक्रमण हटाया गया था तो वहाँ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली कि वहाँ पे एक क्रिस्टा गाड़ी जब्त हुई थी। उस गाड़ी के जब डिटेल निकाले गए तो वो गाड़ी रमेश तोमर के नाम पे दर्ज पाई गई, और जैसा कि नामदेव दास त्यागी भी ज़मीनों के खरीद फरोख्त और अवैध कब्जों में लिप्त पाए गए, इसी प्रकार से ये जो रमेश तोमर है इनके खिलाफ 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। तो जो क्रिमिनल सांठगांठ है वो साफ देखने में आ रही है, और यहाँ पर जब इनकी जांच कराई गई तो इन्होंने कई मकान अवैधानिक रूप से बनाए हैं और दूसरों के मकान पे भी कब्जे किए हैं। इनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, 420 वसूली और मारपीट इत्यादि के कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिला प्रशासन के नेतृत्व में पुलिस एवं नगर निगम के साथ ये संयुक्त कार्रवाई को हम लोग अंजाम दे रहे हैं, और जैसा कि ये मुहिम चल रही है आगामी समय में आपको ये देखने में मिलेगा कि कुछ हम और भी ऐसे जो आपराधिक व्यक्ति हैं जो समाज को जिन्होंने तंग कर रखा है उनके भी हम ठिकाने चिन्हित करेंगे, उनकी परिसंपत्तियां भी देखेंगे। यदि अवैधानिक कब्जे या अवैधानिक निर्माण होंगे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज क्या क्या तोड़ा है सर, कितने मोबाइल टावर भी यहाँ पे लगे? यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वस्तु स्थिति है, कलेक्टर महोदय को संपूर्ण वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया था। यहाँ पे पार्क में 3 अवैध मोबाइल टावर भी पाए गए, क्योंकि इन टावर की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इनको टेक्निकली काटेंगे, लेकिन जो डीजी सेट है और उनकी जो मशीनरी है उसको आज ही नष्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि अवैधानिक टावर को अब उपयोग में नहीं लाया जाएगा। तो इस संपूर्ण इलाके में ये जो 5 मकान चिन्हित किए गए थे और ये जो टावर हैं इनको हम ध्वस्त करेंगे आज।